दोस्तों, आज हम आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए एक ऐसे अनोखे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां अचानक से 16 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। दोस्तों, सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य घटना है। कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर हो जाए तो वो भव सागर को भी पार कर जाता है। ऐसा ही महादेव के परम भक्त के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर से कर दीजिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नागा साधु की कुटिया थी। वो नागा साधु महादेव भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और साधु पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप करते रहते थे। दोस्तों, हरिद्वार में दूसरे गांव से एक रीना नाम की लड़की रोज उस साधु के लिए खाना लाती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को रीना खाना खिलाती। एक दिन रीना साधु के लिए देर से खाना लाई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। रीना बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव उसे देर से मिली, इसीलिए उसे देरी हो गई। इस पर नागा साधु बोला, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर भव सागर को पार कर जाते हैं, तू एक नदी नहीं पार कर सकी। रीना पर बाबा की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह सुबह ही बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, रीना, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो रीना बोली, बाबा, आपने ही तो भगवत नाम का सहारा दिया था, आज उन्हीं का नाम लेकर मैंने नदी पार कर ली। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। उस साधु ने भगवत नाम का उपदेश दिया तो था, लेकिन उन्हें स्वयं उनके इतने बड़े प्रभाव का भान नहीं था। उन्हें लगा कि रीना उनसे ये बात हास्य में कह रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने रीना को लेकर नदी किनारे पहुंचे, तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। रीना भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार करने लगी। बाबा ने रीना को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया था, परंतु तूने तो भगवान को अपना बनाकर ही दिखा दिया। निष्पाप हृदय से, सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर अपने भक्तों के सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप, फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते हुए देखा है या फिर सुना है? रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और एक इंसान है जिसने सांप को जन्म दिया है, और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। ये असंभव लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे। लेकिन ये बात यदि आप हिमालय के मणि जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे, तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वो शुरू से आखिरी तक जानेंगे, तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जानें ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म, और वो किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। देव पशाकोट मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड नाम का एक स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले अमित कुमार जी ने बताई है।
अमित जी बताते हैं कि एक चरवाहे की बेटी पशुओं को चराने के लिए मराठ जाती थी। वहाँ एक सरोवर था, वो जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो पानी पीती और उस आवाज को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना कमजोर क्यों होती जा रही हो। तब उसने सरोवर के जल की सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे तो वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज उसे सुनाई दी, गिर जाऊं गिर जाऊं। तब उस लड़की ने माँ के कहे अनुसार कह दिया कि गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जबरदस्त बारिश हुई और वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिक्कन पहुँच गई। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराठ गई, जहां पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी वो लड़की और वो सांप सभी गायब होकर टिक्कन पहुँच गए। यही सांप महानाग, अजियापाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशियां बांटने के लिए अपने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल बाद सांप के रूप में मराठ जाते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर वो चरवाहे की बेटी पानी पिया करती थी। मान्यता है कि जब भी वो मराठ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़े की आवाजें सुनाई देती है। हालांकि ये आवाजें कहां से आती है इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराठ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मलाड पहुँचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिक्कन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।